वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स, खासकर ये वीडियो जो बच्चे यूपी टेट का एग्जाम देंगे। एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है प्रेपोजिशंस, बड़ा कॉमन टॉपिक है। प्रेपोजिशंस आर वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन, टाइम एंड पोजिशन ऑफ अ नाउन, ये सभी को पता होगा। अभी मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि जो भी बच्चा प्रेपोजिशन की तैयारी कर रहा है यूपी टेट या टीचिंग के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसके ऊपर बड़ा फोकस करिएगा, और वो है फ्रेजल प्रेपोजिशंस। अब सवाल ये है कि ये फ्रेजल प्रेपोजिशंस है क्या? फ्रेजल प्रेपोजिशंस होते हैं, ये मेरी डेफिनेशन है, तरुण सर की डेफिनेशन है। मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट ईजी कर रहा हूं, क्या पता जो आप बड़ी बड़ी किताबें ले लेते हैं वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देंगे आपको। तो मैं बड़ी साधारण सी भाषा में आपको समझाना चाह रहा हूं। फ्रेजल प्रेपोजिशन दो तरीके से होते हैं, टू वर्ड प्रेपोजिशन और थ्री वर्ड प्रेपोजिशन। अब आप कहेंगे सर हमने तो केवल वन वर्ड सुना था, इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, विद, टू, ऑफ, इस तरीके से आपने सुना था। तो सर ये टू वर्ड और थ्री वर्ड प्रेपोजिशन क्या है, चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। According to, ये देखिए जरा, ये टू वर्ड प्रपोजिशन। अब इसका नाम भले टू वर्ड रखा है मैंने, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों वर्ड को एक साथ लगा सकते हैं। मेरी बात समझे? अब आया थ्री वर्ड प्रपोजिशन। स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर कोई छुट्टी होती है तो बच्चों हमेशा याद रखना, यही एक शब्द है जो आप लगा सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, छुट्टियां डिक्लेयर करने के लिए। ऐसा तो आप कॉमनली बोल सकते हैं स्कूल विल रिमेन क्लोज बिकॉज इट इज होली, ये तो बड़ी कॉमन इंग्लिश हो गई। लेकिन अगर आप ग्रामर की बात करें तो आपको ये वर्ड, थ्री वर्ड का प्रेपोजिशन यूज करना ही पड़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ। चलिए एक क्वेश्चन से देखते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन में क्या भर सकते हैं। मेरे साथ ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हुए हैं, ऑनलाइन बच्चे तो जुड़े ही हुए हैं। इस प्रेपोजिशन में, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में, आपको वन वर्ड ही भरना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने, डैश आर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड, डॉट 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 डॉट। समझ गए? ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, डैश आर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कॉमा स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड। मेरे बच्चों ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक। और आप से देखिए, मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता, आप मेरे सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन चलिए एक कंपटीशन जैसी अगर बात करें तो क्या कोई भी बच्चा, मैं चैट बॉक्स में भी ध्यान दूंगा कि अगर कोई भी आंसर लिख रहा है तो मैं उस आंसर को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए यहां भरूंगा, कोई भी बच्चा यहां पर वन वर्ड प्रपोजिशन भर सकता है? मैं काफी टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, चलिए मैं ही इसका आंसर बता दूं बेटा। ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो वन वर्ड प्रपोजिशन आप नहीं भर पाएंगे बच्चे। अब आप खुद सोचिए, छुट्टी डिक्लेयर करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा ऑप्शन में आपको वो देगा ऑन अकाउंट ऑफ। आप बिल्कुल भरिएगा इसको आराम से, क्योंकि ये ऑप्शन में देगा, आप कोई भी और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ऑन अकाउंट ऑफ। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ऑन अकाउंट ऑफ होली कॉमा द स्कूल्स विल रिमेन क्लोज। ठीक है, फिर आते हैं इस पे कि इसमें क्या भरेंगे। बेटा इसमें आप केवल एज पर भर पाएंगे और कुछ नहीं भर पाएंगे। वन वर्ड प्रपोजिशन आप यहां पर नहीं भर सकते, तब काम आता है फ्रेजल प्रपोजिशन आपके लिए, ये फ्रेजल प्रपोजिशन। तो ये मत सोचिएगा कि केवल वन वर्ड प्रपोजिशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉग इन टू माई चैनल इन द नेम ऑफ इंग्लिश बाय तरुण सर, आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोज, आप मेरा चैनल देखते रहिए। मैं YouTube लाइव भी जाता हूं, उसका भी टाइम मैं पोस्ट कर दूंगा इसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।